आज हम मसाला आलू लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं। आलू को बॉयल करेंगे। फिर इन्हें छील लेंगे। बॉयल किए आलू को मैश करेंगे। फिर कटे प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को डालेंगे। फिर आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। पराठा आप सिर्फ आटे या मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक कटोरी आटा और एक कटोरी मैदा ले रहे हैं। इन्हें मिक्स करके हम एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा नमक भी डालेंगे। फिर इसे गूंथ लेंगे। फिर थोड़ा घी लगा करके 15 मिनट का रेस्ट देंगे। अब इन्हें बेल लेंगे। फिर इसके ऊपर एक चम्मच घी लगाकर फैला देंगे और ऊपर से मैदे को भी फैला देंगे। फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे पंखे को फोल्ड किया जाता है। फिर ऐसे मोड़ेंगे। फिर इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से। अब तैयार मसाले को इसके ऊपर फैला देंगे। साइड से पानी लगाएंगे ताकि इसका मसाला बाहर ना निकले। फिर दूसरी तैयार बेली हुई रोटी को इसके ऊपर रखेंगे और साइड से दबा देंगे। फिर तवे पे दोनों तरफ से घी लगाकर सेक लेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है।